यदि आप भी कुवैत के खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। और यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, आज की सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों ये आ रही है, कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर में दोनों में बातचीत हुई है। तो दोस्तों, आपको बहुत सारे वर्कर है जो वहाँ पर लीगल रूप से रह रहे हैं, वो इंडिया आना चाह रहे थे। दोस्तों, दोनों में बातचीत हुई। फिलहाल अभी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ मना कर दिया कि अभी किसी भी लीगल लोगों को अब इंडिया नहीं लाया जाएगा जब तक ये महामारी में थोड़ा कंट्रोल ना हो जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप लोग यदि इंडिया के हैं तो आपको बता दूं, इंडिया गवर्नमेंट ने यहाँ पे 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, जिसमें सारा फ्लाइट, सारा ट्रेन, सारी बसेस वगैरह सभी को कैंसिल कर दिया है। तो मान के चलिए दोस्तों, अब 3 मई तक अभी आप इंडिया नहीं आ पाएंगे। 3 मई के बाद ही आपको क्लियर बताया जाएगा जो भी लीगल रूप से वहाँ पर रह रहे हैं वो कब लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, वो 3 मई के बाद ही आपको मालूम चलेगा। दूसरी दोस्तों, जो कुवैत से अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है मार्स मछलियों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कुवैत में जितने भी छोटे शहर है, बड़े शहर है, जितने भी शहर है, कस्बा, सभी शहरों में, सभी कस्बाओं में वहाँ पे कुवैत गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि मार्स मछलियों की दुकानों को फिलहाल अभी टेम्प्रोरी बंद कर लिया जाए। दोस्तों, वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने बोला है कि वहाँ फिलहाल अभी दुकानों को, मार्स मछली दुकानों को बंद कर दिया जाए। अब दोस्तों, ये दुकान कब खुलेगी इसकी डेट अभी नहीं दी गई है। अगली दोस्तों, वहाँ से जो अपडेट आ रही है कुवैत से, कुवैत हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट से वहाँ पे बोला, वहाँ पे कुछ इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है जिसमें दोस्तों जो भी इमरजेंसी मरीज जो पाया जाएगा जो वायरस को लेकर होगा, तो दोस्तों उसमें, उस वार्ड में तुरंत उनको भर्ती किया जाएगा और उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, इमरजेंसी वार्ड बनाया जा रहा है जो भी इमरजेंसी केसेस जो आएंगे उसके लिए। दोस्तों, अगली जो खबर कुवैत से आ रही है वो आ रही है एयरवेज़ की तरफ से। दोस्तों, कुवैत की जो कुवैत एयरवेज़ है और जो निजी एयरवेज़ है जैसे अल जजीरा एयरवेज़, उन एयरवेज़ को कुवैत गवर्नमेंट ने बोला, ऑर्डर दिया है कि कुछ 14 से 17 एयरपोर्टों पे फ्लाइट उड़ान भरेगी और दोस्तों कुल मिला के 75 फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरेगी। और जहाँ भी कुवैती शहरी फंसे हुए हैं उन सभी कुवैती शहरी को अपने अपने मुल्क लाया जाएगा। मतलब दोस्तों, जो भी कुवैती शहरी है, जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए हैं सभी को अपने अपने मुल्क लाया जाएगा। इसके लिए 75 फ्लाइट उड़ाई जाएगी और 14 एयरपोर्ट पर ये फ्लाइट यह लैंड करेगी। तो दोस्तों, जो भी लोग कुवैती के फंसे हुए हैं सभी को घर लाया जाएगा। दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट थी जो कुवैत से आ रही थी, तो मैंने सोचा आप तक शेयर करूं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो पे।